गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है सीएसएस के अंदर, शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो प्ले लिस्ट है इसको एक्सेस कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि हम लोग बीच से नहीं देखना चाहते, हम लोग सिर्फ लेबल से स्टार्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो मुझे सजेस्ट करते हैं कि एक प्ले लिस्ट बना दो, जबकि ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो काइंडली आप इस प्ले लिस्ट पर आएँ, इसको बुकमार्क करें, इसको यहाँ से सेव करें और शुरू से ऑर्डर में वीडियोज़ को देखें। HTML, CSS, पूरा वेब डेवलपमेंट इसी प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए यहां पर एक फाइल बनाऊंगा tu24.html और यहां पर HTML की बॉयलर प्लेट लगा दूंगा और इसके बाद मैं यहां पर टाइटल में डालूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और अदर CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सेव करूंगा और स्टाइल टैग डालूंगा मैं यहां पर अपनी CSS लिखने के लिए। मैं यहां पर करने क्या वाला हूं, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा और उसका नाम मैं काम करता हूँ, हेडर बनाता हूँ, हेडर डॉट टॉप इसको क्लास देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक H3 और मैं लिखूंगा दिस इज वेलकम टू माय ब्लॉग या फिर वेलकम टू हैरीज ब्लॉग। ठीक है, ये किया मैंने और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं अपना पुराना पोर्ट बंद करके एक नया लाइव सर्वर पोर्ट खोलता हूँ और यहाँ पर देखो वेलकम टू हैरीज ब्लॉग आ गया, इसमें अभी तक कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक इमेज भी लगा सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर इमेजेस सर्च करूँ और मैं यहाँ पर आ जाऊँ इमेजेस में, कोई भी मैं मान लो लोगो लगाना चाहता हूँ किसी चीज़ का, जैसे मान लो मैं कोड विद हैरी का लोगो ही लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को ले आता हूँ यहाँ से और कॉपी करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर बहुत ही जल्दी से IMGSRC इज इक्वल टू ये डाल दूंगा और यहाँ पर देखो ये इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो इमेज आ गई, वेलकम टू हैरीज ब्लॉग आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, CSS से इसको टारगेट कर सकता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मुद्दा रखते हुए ये सब चीज़ें बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो IMG को कहूँगा कि इसकी विड्थ सेट कर दो, मान लो 34 पिक्सल। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो मेरा H3 है उसमें मैं क्या करूँगा, H3 के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई भी फॉन्ट वगैरह उसकी चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट फैमिली में मैं मान लो ये कर सकता हूँ और सेव कर दिया मैंने और फॉन्ट साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ, बट दैट शुड बी फाइन यार। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया और ये देखो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी जो पैडिंग है वो एडेड है, तो मैं अगर यहाँ पर इनफैक्ट मार्जिन एडेड, अगर मैं मार्जिन 0 पिक्सल कर दूँ इसकी तो ये ऊपर आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो मैं चाहूँगा H3 में मार्जिन 0 करना, तो मैं मार्जिन भी 0 कर देता हूँ, तो मैं लिखूँगा मार्जिन 0 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एकदम इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं अपना एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करूँ और इस पर जाऊँ तो ये देखो ये एक इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि ये सिर्फ उतनी जगह ले रहा है जितनी इसको चाहिए, और ये क्या है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि ये पूरा ब्लॉक ले रहा है और अगली चीज़ को दूसरी लाइन में थ्रो कर दे रहा है। मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर करना। मेरा जो डिव होता है, जो मेरा डिव है, जो मेरा हेडर है यहाँ पर, जैसे कि आप हेडर देख रहे हैं, हेडर मेरा क्या है, हेडर मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे पता चला मुझे ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ये पूरी स्पेस ले रहा है। देखो मैंने इस पर अपना तीर लेकर किया तो ये पूरी ब्लू कलर से स्पेस ले रहा है। अगर मैं अपने हेडर में मार्जिन ऑटो कर दूँ, अगर मैं हेडर में मार्जिन ऑटो कर दूँ, मार्जिन ऑटो, अब यहाँ पर देखना कि हमने मार्जिन ऑटो किया उसके बावजूद भी हमारा एलिमेंट सेंटर नहीं हुआ, यानी कि मैंने हेडर की मार्जिन को ऑटो कर दिया। अगर हमें सेंटर करना है मार्जिन ऑटो की मदद से, तो मार्जिन ऑटो क्या करती है, लेफ्ट और राइट में बराबर मार्जिन देके इसको एलिमेंट को सेंटर कर देती है, ये हमारा लॉजिक होता है। लेकिन ये यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर अभी करने क्या वाला हूँ, इसको एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड और आप लोगों को चीज़ें इतनी सही से समझ में आएंगी, फिर देखना। देखो मैंने जो बॉर्डर दिया है वो क्या है, ये पूरा एलिमेंट है अभी। ठीक है, अब इसमें अगर मार्जिन ऑटो मैंने दे भी दी तब राइट और लेफ्ट में सेम मार्जिन आ जाएगी, यानी कि मुझे इसको विड्थ देनी पड़ेगी और इसकी डिस्प्ले तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखी है। अभी डिस्प्ले ब्लॉक क्या है, डिस्प्ले इनलाइन क्या है, एक बार समझते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि ये एक पूरा ब्लॉक होगा, यानी कि पूरा ब्लॉक बना के पूरी विड्थ लेके ये बैठ जाएगा। डिस्प्ले इनलाइन अगर मैंने इसकी कर दिया, अगर मैंने यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सिर्फ उतनी जगह लेगा जितनी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये हेडर को डिस्प्ले इनलाइन दिया, देखो एक वियर्ड सा मुझे लुक मिला। रीज़न ये है कि इसके अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैं इसको इनलाइन तो अभी नहीं करूँगा। अगर मैं इसको भी इनलाइन कर दूँ, इसके अंदर जो ब्लॉक
एलिमेंट है, इसकी डिस्प्ले को भी इनलाइन कर दूँ तो यहाँ पर देखो ये मुझे बॉर्डर मिल जाएगा और ये ओवरफ्लो हो रहा है। बट अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको वापस से रिलोड करूँगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हेडर मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट की मैं विड्थ सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी विड्थ को सेट कर दिया इस तरह से, अगर मैंने इसकी विड्थ को सेट कर दिया 10%, तो यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा जो मेरा 10% ऑफ द विड्थ है वो हो जाएगी। तो मैं इसको कुछ इतना कर दूंगा, ऐसे इस तरह सेट कर दूंगा इसकी विड्थ को। पिक्सल में भी मैं कर सकता हूँ, परसेंट में भी कर सकता हूँ, मैंने अभी यहाँ पर परसेंट में कर दिया। तो मैं हेडर में क्या करूँगा, विड्थ को 15% कर दूंगा। तो हेडर में मैं विड्थ को क्या कर रहा हूँ, 15% कर दूंगा। और मैं विड्थ क्यों सेट कर पा रहा हूँ, मैं विड्थ इसलिए सेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन में मैं विड्थ सेट नहीं कर सकता। इनलाइन का मतलब है कि जितनी जगह है उतनी ले लो, जितनी मिलती है जगह उतनी ले लो तुमको। और यहाँ पर ब्लॉक का मतलब है विड्थ को सेट कर लो। तो विड्थ के साथ मार्जिन ऑटो लगाऊंगा तो सेंटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरा एलिमेंट सेंटर हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो IMG है वो क्या है, उसकी डिस्प्ले क्या है, उसकी डिस्प्ले इनलाइन होती है। तो उसकी डिस्प्ले को मैं यहाँ पर ब्लॉक करूँगा सबसे पहले, और उसकी डिस्प्ले को जैसे ही मैंने ब्लॉक किया है देखो ये सारी जगह लेने लग गया। और यहाँ पर अगर मैं अब मार्जिन ऑटो कर दूँ इसको भी, तो देखो यहाँ पर ये भी सेंटर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यही काम अपने इमेज में भी करूँगा। मैं कर दूँगा मार्जिन ऑटो, और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, मैंने क्या किया था, वेट तो मैंने ऑलरेडी दे रखी है इसकी, यहाँ पर जो भी किया था वो कर दूंगा। डिस्प्ले ब्लॉक किया था मैंने, डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और जैसे मैं ये करूँगा यहाँ पर देखो ये सेंटर हो चुका है। तो मैं विड्थ बढ़ा भी सकता हूँ इसकी, और यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आ जाऊँ कुछ इस तरह से, तो ये देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव मेरी ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखना, जब ये बड़ा हो जाता है ना मेरा बहुत ज़्यादा, तो ये देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। मैंने कुछ इतना बड़ा अगर इसको कर दिया तो यहाँ पर देखो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इधर जा रहा है। तो मैं H3 के टेक्स्ट लाइन को सेंटर करूँगा, तो जो मेरा H3 है तो मैं उसके टेक्स्ट लाइन को क्या करूँगा, सेंटर करूँगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने 15% विड्थ दे रखी है इसको भी मैं बड़ा कर लूँगा। कहाँ गई मेरी 15% की विड्थ, मैं बड़ा कर लूँगा इसको, काफ़ी बड़ा कर दूँगा, इतना बड़ा कर दूँगा क्योंकि है तो सब कुछ सेंटर में ही। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा भी कर दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना अब तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी सेंटर कर दिया है विद इन। तो अगर मैं इसकी विड्थ और मार्जिन ऑटो हटा भी दूँ अभी हेडर की, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं हटा देता हूँ इसकी विड्थ और मार्जिन ऑटो को, और अभी तो मेरा एलिमेंट जो है वो सेंटर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लेआउट बना सकता हूँ, ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है देखो। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से फ़ोन में छोटा बड़ा करता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं अपने कंप्यूटर वाले लेआउट में आ जाऊँगा। और ये अभी इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो वेलकम टू हैरीज ब्लॉग यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये था हमारा डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक। वापस से सम करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन का मतलब होता है कि जितना बड़ा एलिमेंट है उतनी स्पेस ले लेगा। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि आप उसकी विड्थ को सेट कर सकते हो और उसमें मार्जिन ऑटो करके उसको सेंटर कर सकते हो विड्थ सेट करने के साथ साथ। लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को इनलाइन करना चाहते हो और उसी के साथ साथ उसकी विड्थ के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हो, तो एक स्पेशल तरह की चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और उसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। और ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 डब्बे हैं। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि अपने डिव डॉट कंटेनर के अंदर 3 डब्बे बनाऊँगा। तो डिव डॉट बॉक्स कर दूंगा मैं, और इसके अंदर मैं एक H4 लगाऊंगा और H4 डॉट हेडिंग करूंगा। यहाँ पर लिख दूंगा हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख दूंगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा P और लॉरम 44, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसको रिप्लीकेट करूंगा। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पर देखो लॉरम 44 के ये बॉक्स आ गए। मैं काम करूंगा, ये जो बॉक्स है मेरे इनको कुछ स्टाइलिंग दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन बॉक्स में सबसे पहले बॉर्डर दूंगा 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बैकग्राउंड दूंगा ग्रे, ठीक है। मैंने दे दिया इनको बैकग्राउंड ग्रे, और ये, और इनको मार्जिन भी दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन 4 पिक्सल और पैडिंग 23 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है, ठीक है, कि आपको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखना मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये कंटेनर है इसके अंदर मेरा बॉक्स है, मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने बॉक्स के लिए CSS लिखी है इसमें और CSS ऐड करूँगा। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को इनलाइन कर देता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये समझ में आता है। अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इनलाइन भी रहेंगे और मैं इनकी विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इनको ब्लॉक करता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ब्लॉक करके, और मैं मान लो इनकी विड्थ को कर देता हूँ 30%, तो ये देखो
क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ये पूरी पूरी स्पेस ले रहे हैं, पूरी पूरी स्पेस ले रहे हैं, पूरी पूरी स्पेस ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इनलाइन भी रहे और ये इनकी विड्थ भी सेट हो जाए। तो मैं इनलाइन ब्लॉक इसको सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये विड्थ और डिस्प्ले को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। और अभी आप लोग देखो कि ये नई लाइन में कूद चुके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर तीनों एक साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है। बॉक्स साइजिंग से क्या होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से आपके जो एक मिनट, मैंने डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ वापस से। हाँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होता है, जो आपकी टोटल विड्थ होती है वो जितनी आपने दी है वो रहती है इंक्लूडिंग मार्जिन और पैडिंग। वरना क्या होगा, जो मार्जिंग और पैडिंग है वो आपकी विड्थ को चेंज कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं जो आपने विड्थ दे रखी है वही रहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंटेनर है, कंटेनर में अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ मार्जिन ऑटो और डिस्प्ले ब्लॉक, और डिस्प्ले तो खैर ब्लॉक ही, डिस्प्ले क्या ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, और विड्थ में मैं दे रहा हूँ 1200 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर विड्थ में 1200 पिक्सल दिया तो ये देखो तीनों के तीनों हेडिंग सेंटर हो गए। अगर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करी जाए तो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव ज़रूर है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखो ये जो मेरा ऊपर हैरीज ब्लॉग है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैंने अपना जो डब्बा है इसको सेंटर कर देना चाहिए था। मैंने यहाँ पर जो हेडर में डाला था मार्जिन ऑटो और विड्थ भी मैंने जो डाली थी 1000 पिक्सल, वो मुझे कर देनी चाहिए शायद, और अगर मैं वैसा करूँगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। और मैं इसकी विड्थ को और इसकी विड्थ को बराबर रखना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो मार्जिन ऑटो ये विड्थ रखी हुई है इसको मैं कॉपी करूँगा, हेडर में डालूँगा वापस से, और 1200 अगर मैं विड्थ रख रहा हूँ तो 1200 विड्थ में यहाँ भी रखूँगा। विड्थ में 1200 का रखूँगा अपने अपने कंटेनर के अंदर, 1200, और मैं सेव करूंगा इसको 1200 पिक्सल को, और सेव करूंगा जैसे ही। आप लोग देखो यहाँ पर अभी देखना क्या होगा, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैंने इनलाइन ब्लॉक सेट करना पड़ेगा डिस्प्ले को। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ही इनलाइन ब्लॉक, सेव किया मैंने। अब देखो यहाँ पर जो मैं चाहता था वो हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिस्प्ले किया इनलाइन ब्लॉक, विड्थ मैंने यहाँ पर किया इसका, मैंने यहाँ पर बॉक्स की जो विड्थ थी वो भी दे रखी है 30%, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी दे रखा है, पैडिंग दे रखी है। मैंने ओके मैंने बॉक्स को करना है यार डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ना कि इसको, क्यों मैंने बॉक्स को करना है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, क्योंकि मैं चाहता हूँ बॉक्स मेरे इस कंटेनर के अंदर आ जाए। तो कंटेनर से मुझे कुछ नहीं, कंटेनर में तो मुझे मार्जिन ऑटो करना है। तो आई होप कि मैंने कन्फ्यूज़ नहीं किया आपको, एक बार और मैं समझा दूंगा जो मैंने किया है यहाँ पर। तो ये देखो मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा विद इन इट सेल्फ, अपने अंदर सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी एक मुझे इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को ओवरराइड किया है इसकी डॉट बॉक्स के, तो जो बॉक्स का डिस्प्ले है उसको मैंने पहले ब्लॉक किया हुआ था लेकिन उसके बाद मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो मैं इसको ऐसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने दे रखी है, और विड्थ देने के बाद मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो मैंने ये वाली इसकी जो विड्थ है और इसकी जो विड्थ है उसमें मैंने एक डिफरेंस किया हुआ है कि इसमें मैंने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि सारे एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी मेरी लागू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से हटा भी दूँ तब भी मेरा काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको सेंटर नहीं दिख रही होगी, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने यहाँ पर इसको 33% नहीं किया, मैंने 30% किया है। तो 100/3 होता है 33.33, और यहाँ पर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी ये जो है अलाइन हो जाना चाहिए। तो मैं अगर इसको अभी रिलोड करूँ, मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया हुआ है यहाँ पर, दिस शुड वर्क। अगर मैं यहाँ पर इसको 33 करूँ और सेव करूँ तो मार्जिन मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मार्जिन मैं एक काम करता हूँ 0 पिक्सल ही कर देता हूँ यार, ताकि मेरा ये फिट हो जाए। और इनफैक्ट मैं मार्जिन टॉप जो है उसको थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 4 पिक्सल कर देता हूँ, और उसके बाद ये ऐसे कर देता हूँ। और अभी देखो बिल्कुल सही हो गया है हमारा सिस्टम, देखो कितनी सही बन गई है वेबसाइट हमारी। और ये देखो
एक टाइम आएगा कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो जाएगी, बट हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बाद में आएंगे और वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। लेकिन अभी के लिए आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरह करना है और आप किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो इन चीज़ों को। आई होप समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस ज़रूर करें। और हम लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जल्दी, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बुकमार्क करके सेव ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।